अब होगा हर सपना साकार, बस शुरू करो अपना व्यापार। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबके सामने एक नई वीडियो के साथ जबरदस्त एनर्जी। अब नहीं रुकूंगा, अब आपका भी बिजनेस होगा सक्सेसफुल, मैंने ठान लिया, बस आपको शुरू करना है। दोस्तों आज का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे एक प्रिय मित्र ने मुझसे सवाल किया है, सुकांत भाई आइडिया तो बहुत देते हो लेकिन अब बताओ आइडिया को बिजनेस कैसे बनाया जाए। आज देने वाला हूं इनके बहुत ही प्यारे सवाल का जवाब। दोस्तों अगर आपने भी ठाना है, अगर आपको भी करना है एक नया स्टार्टअप, तो आज देने वाला हूं एक ऐसा फॉर्मूला, इतनी बढ़िया स्ट्रेटेजी जो कि आपके स्टार्टअप को बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ाएगी। हालांकि मैंने स्टार्टअप के लिए वीडियो डाला है, लेकिन आज देने वाला हूं बढ़िया स्ट्रेटेजी, बहुत अच्छे फॉर्मूले जो कि आपके स्टार्टअप को बनाएंगे नंबर वन सुपर हिट। अगर आपके दिमाग में भी है कोई आइडिया तो भूलिएगा मत इस वीडियो को पूरा देखना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जो लोग भी बिजनेस स्टार्टअप करने जा रहे हैं उनको ये वीडियो शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना आपका समय गंवाए कि आइडिया को बिजनेस कैसे बनाएं। दोस्तों एक बार फिर आ गया हूं आपको बहुत कुछ बताने और आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने। जैसा कि हमने डिस्कस किया, आज देने वाला कुछ बढ़िया फॉर्मूले। अगर आपके दिमाग में भी है स्टार्टअप से लिए कोई आइडिया, तो आज चेक करेंगे क्या वो आइडिया सही है, क्योंकि आपका आइडिया आपके दिमाग से तो सही होता है, लेकिन क्या आपके कस्टमर ने आपको बोला, क्या आपकी कंज्यूमर ने आपको ये चीज बोला कि आप जो सोच रहे हो वो सही सोच रहे हैं, मैं आपका कंज्यूमर बनूंगा? नहीं, अक्सर हम यही गलती कर जाते हैं। कई बार हमारे नजरिए से जो आइडिया हमें परफेक्ट लगता है लेकिन वो मार्केट में परफेक्ट नहीं होता। तो आज क्या करें, कैसे चेक करें अपने आइडिया को परफेक्ट है या नहीं, कैसे चेक करें कि मेरा स्टार्टअप चलेगा या नहीं चलेगा? दोस्तों अगर आप भी बनाना चाहते हैं अपने बिजनेस को ओला ओयो और उबर, तो ध्यान देना होगा आज इन फॉर्मूलों के ऊपर। बने रहिए, मैं आपको देने वाला हूं आज के स्टार्टअप के बढ़िया फॉर्मूले। आइडिया को इंप्लीमेंटेशन तक कैसे पहुंचाएं ये सिखाने वाला हूं आज आपको। दोस्तों अगर आपको भी बनाना है अपने बिजनेस को सुपर डुपर, तो भूलिएगा मत नजर डालना इन फॉर्मूलों के ऊपर। आज देने वाला हूं आपको 6P फॉर्मूला। 6P फॉर्मूला क्या होता है? ये 6P फॉर्मूला आपकी सक्सेस का रास्ता है, आपके बिजनेस का रास्ता है ये 6P फॉर्मूला। दोस्तों किसी भी स्टार्टअप की जब मैं बात करता हूं, किसी भी स्टार्टअप को शुरू करने की तैयारी जब मैं करता हूं, तो मैं हमेशा ये 6 स्टेप फॉलो करता हूं। इवन मैं सबको यही 6 स्टेप सजेस्ट करता हूं। फर्स्ट पी डिनोट्स फॉर द प्रॉब्लम। क्या आपका आइडिया दुनिया के, हमारे आसपास की, हमारी सोसाइटी के किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है? अगर सॉल्व कर रहा है तो फर्स्ट पी आपका सक्सेसफुल होता है, दैट वी कॉल प्रॉब्लम। दोस्तों सेकंड पी है पीपल। आपके आइडिया से जो आप प्रोडक्ट बनाने वाले हैं या फिर जो भी आप काम शुरू करने वाले हैं, उसके प्रोस्पेक्ट कौन होंगे, कौन है जिन तक वो आप शेयर करेंगे, मतलब आपके कंज्यूमर कौन होंगे, आपके बायर कौन होंगे, उनकी पॉपुलेशन कितनी है आपके एरिया में, उनकी टेंडेंसी कितनी है, उनकी डेंसिटी कितनी है, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आप भूलिएगा भी मत कि आप अपने आइडिया के साथ अपने उस आइडिया के कंज्यूमर को, पीपल को कभी मत भूलिए। उनकी पॉपुलेशन कितनी है, कितना एरिया आप कवर कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आइडिया के लिए। दोस्तों अब तीसरे नंबर पे आता है प्रोडक्ट। क्या मार्केट की प्रॉब्लम आपके प्रोडक्ट द्वारा सॉल्यूशन हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक ऐसा प्रोडक्ट अब आपको बनाना होगा थर्ड स्टेज पे, जो कि आपके मार्केट की प्रॉब्लम को और आपके पीपल को दोनों को सेटिस्फाई करे और दोनों की पूर्ति को पूरा करे। कई बार प्रोडक्ट आप पहले बना लेते हैं बट ये गलती होती है, प्रॉब्लम के हिसाब से प्रोडक्ट और पीपल के हिसाब से ही प्रोडक्ट डिसाइड होता है। चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइसिंग। दोस्तों अक्सर हम जब बिजनेस की बात करते हैं तो अपना प्रॉफिट पहले देखते हैं, बहुत बड़ी गलती है ये। आपको आपके पीपल, प्रोडक्ट और प्रॉब्लम के हिसाब से अपनी प्राइस सेट करनी होती है। कई बार आप नए प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा देते हैं जिससे आपका प्रोडक्ट डाउन हो जाता है। नहीं, आपको कभी भी प्रोडक्ट की प्राइस फर्स्ट डे डिसाइड नहीं करनी होती है। आपको आपके कंज्यूमर बिहेवियर समझने होंगे, आपको आपका प्रोडक्ट समझना होगा, पॉपुलेशन समझना होगा और प्रॉब्लम कितनी बड़ी है ये भी समझना होगा, उसके बाद आता है प्राइस। तो प्राइस का सिरा फोर्थ नंबर पे होता है। फिफ्थ नंबर पे जो पॉइंट आता है दोस्तों वो है प्रॉफिट। जी हाँ, सही समझ रहे हैं आप, प्राइस और प्रॉफिट में बड़ा अंतर होता है। कई बार प्रोडक्ट का प्राइस वो होता है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और आपका प्रॉफिट दोनों होता है। प्राइस तो डिसाइड होती है मैन्युफैक्चरिंग प्लस प्रॉफिट से, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप प्रॉफिट कितना निकालते हैं। और प्रॉफिट हमेशा
स्टार्टिंग में कम रखिएगा। रीजन ये है कि अगर प्रॉब्लम बड़ी होती है और आप किसी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, अगर आपके पास पॉपुलेशन बहुत है तो प्राइस आप कम भी रखेंगे, मतलब प्रॉफिट अपना कम रखेंगे, तो ऑटोमेटिक इसका इफेक्ट आपको प्राइस में दिखता है। दोस्तों लास्ट और सिक्स पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी स्टार्टअप के लिए, वो है पर्पस। अगर आपका पर्पस नहीं है, एक बिजनेस स्टार्ट करना आपका सिर्फ पैसे कमाना जरिया नहीं है, आप एक बिजनेस के जरिए लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं, जैसे ओला ओयो उबर, तो आपका भी बिजनेस बहुत अच्छे से सक्सेस करेगा और आप भी होंगे इंडिया के नंबर वन एंटरप्रेनर एक दिन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका पर्पस क्या है, सिर्फ पैसे कमाना या फिर लोगों की हेल्प करना या फिर राष्ट्र की हेल्प करना, देश को आगे बढ़ाना। अगर आपका पर्पस नहीं होता है तो पूरा इंडिया सपोर्ट करता है, जैसे कि पतंजलि को, जैसे कि अमूल को। तो पर्पस हमेशा नहीं रखिएगा अपने स्टार्टअप का, जरूर आप सक्सेस करेंगे। दोस्तों ये 6 पॉइंट जबरदस्त पॉइंट फुल स्पीड में दिया है मैंने आपको, आपके स्टार्टअप को सक्सेसफुल करने के लिए। भूलिएगा मत, अगर आपके यहां भी कोई स्टार्टअप करना चाह रहा है उससे पूछिए क्या उसने ये 6 पॉइंट क्लियर किए हैं, क्या ये 6 पॉइंट पे उसका आइडिया सक्सेस हो रहा है। अगर हो रहा है तो बिल्कुल मत रोकिएगा, बोलिए शुरू करें, आज से शुरू करें, अभी से शुरू करें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ये 6 पॉइंट आपके बिजनेस को बनाएगा सक्सेस, आपके लिए आपको बिजनेस के लेसन देते रहने के लिए मैं सुगंध मिश्रा हमेशा देता रहूंगा, आपके सवालों के जवाब, आपके सवालों को पूछते रहने के लिए। नीचे कमेंट बॉक्स में आपका प्यार देने के लिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।